बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या कि वायर कैसे आगे कहाँ जुड़ता है। तो दोस्तों आपको ये अंदर कंप्यूटर दिख रहा है, इस कंप्यूटर पे हमारे इसकी प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम लैडर लॉजिक बोलते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हम बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको बाहर से हमारा पीएलसी पैनल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा कि आखिर किस तरीके से इसमें लैडर लॉजिक होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों पहले पीएलसी पैनल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह है हमारा पीएलसी पैनल। अब दोस्तों पीएलसी पैनल का पूरा बेसिक बताया, तो पीएलसी पैनल का नाम जैसा आपको पता है पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इसका काम क्या होता है, जैसे मेरी कोई भी मशीन है उस मशीन के ना सारे काम ऑटोमेटिक हो जाए, यानी कुछ भी हमने सिर्फ एक बटन दबाया और उस बटन दबाने के बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप अगला काम होता जाए, ठीक है, हमको और कुछ नहीं करना पड़े। यानी हमको बाद में वापस मशीन बंद करके दूसरी मशीन चलाना, यानी ये सब कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक बटन दबाया और ऑटोमेटिक सारा काम होता जाए। तो दोस्तों उसके लिए हमको बहुत सारे टाइमर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी रिले लगानी पड़ेगी, यानी बहुत सारा लंबा चौड़ा सर्किट हो जाता है। और दोस्तों सर्किट लंबा चौड़ा तो होता है, पर उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसके अंदर दोस्तों वो सर्किट जो कहलाता है वो कहलाता है आरएलसी सर्किट और ये कहलाता है हमारा पीएलसी सर्किट। दो सर्किट होते हैं दोस्तों, एक आरएलसी और एक होता है हमारा पीएलसी। आरएलसी सर्किट के अंदर दोस्तों इस तरीके की वायरिंग नहीं होती, आरएलसी सर्किट के अंदर काफी घुमावदार वायरिंग होती है, आपने आपकी इंडस्ट्री में जरूर देखी होगी। पर दोस्तों ये जो हमारा पीएलसी पैनल है, इस पीएलसी पैनल के अंदर सिंपल सी वायरिंग होती है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको सिर्फ हमारे जो लिमिट स्विच है, हमारे जो सेंसर है, यानी हमारे जो भी इनपुट के डिवाइसेस है उससे हमको इसके अंदर एक सप्लाई लानी पड़ती है जो कि 24 वोल्ट होती है, और इस पीएलसी पैनल के अंदर प्रोग्रामिंग कर देते हैं और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम आउटपुट निकाल देते हैं। दोस्तों इसको और अच्छे से समझेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ पीएलसी क्या है। तो दोस्तों ये है हमारा पीएलसी, यानी वैसे तो पूरा ये पीएलसी है, पर इसके अंदर जो पीएलसी के अंदर जो मेन सीपीयू होता है वो ये सीपीयू है, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर दोस्तों आपको लाइट जलती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे एक रन की लाइट जलती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ बटन होता है, ये बटन जो है एक रन का होता है, एक प्रोग्राम का होता है और एक इथरनेट का होता है। अभी जैसे मैंने इसको प्रोग्राम पे कर दी तो ये हमारी पीएलसी काम करना बंद कर चुकी। अब मैं वापस इसको रिमोट पे कर देता हूँ, रिमोट, और भी बाद में एक और होता है दोस्तों रन। ये रन का मतलब यह है दोस्तों, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा रन लिखा हुआ है, इस रन पे अगर हमने किया तो इसका मतलब यह है कि हमने जो पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पीएलसी आउटपुट निकालेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इसके पास में है यह है हमारी इसकी पावर सप्लाई। वैसे दोस्तों ये जो पूरा सिस्टम है ये एलन ब्रेडली की पीएलसी है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों ये है इसकी पावर सप्लाई, इसमें ऊपर भी यहाँ पे पावर सप्लाई लग रही है। तो ये जो पावर सप्लाई है ये जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल लग रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों मॉड्यूल। अब दोस्तों देखो पीएलसी भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी कॉम्पैक्ट पीएलसी और एक होती है हमारी मॉड्यूल पीएलसी। अब कॉम्पैक्ट और मॉड्यूल पीएलसी काफी सिंपल है। कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर दोस्तों एक ही हमारा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर ही हमारे इनपुट भी जुड़ जाते हैं। जैसे आपको नीचे दिख रहा है ना ये पॉइंट होते ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ हमको जैसे 10-20 आउटपुट इनपुट आउटपुट होंगे, उसके अंदर ज्यादा इनपुट आउटपुट हम नहीं लगा सकते। उसके अंदर जैसे हमने 10 वायर डाले और 10 वायर को बाहर निकाल लिया, वो हो जाती है हमारी कॉम्पैक्ट पीएलसी, सिर्फ वो एक डब्बे के अंदर आती है, एक बॉक्स होता है। पर यह है दोस्तों हमारी मॉड्यूल पीएलसी। तो मॉड्यूल पीएलसी के अंदर क्या हम हमारे हिसाब से, यानी हमारे जैसे आज हमारे सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन कम है, पर कल हमारे सिस्टम के अंदर अगर हम ऑटोमेशन और बढ़ा रहे तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा और कार्ड लेंगे, हम ऐसा एक और कार्ड लेंगे और वहां पे जोड़ देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो उससे फिर बाद में हम आराम से ऑटोमेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वही आरएलसी सर्किट की बात करें तो आरएलसी सर्किट में क्या दिक्कत आएगी, कभी हम इसके अंदर, यानी जैसे कभी हम आरएलसी सर्किट के अंदर किसी भी चीज को और एडिशन करना चाहते हैं तो हमको काफी वायरिंग करनी पड़ती है। यानी स्टार्टिंग में हम उसको चलो स्टार्ट हो जाता है पैनल, पर बाद में जब हम उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और कभी जैसे कोई फॉल्ट आता है तो भी हमको बहुत समय लगता है। पर दोस्तों अभी मैं आपको पीएलसी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर फॉल्ट कैसे पकड़ा जाता है और फॉल्ट कैसा होता है, यानी बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी एक मॉड्यूल पीएलसी है, तो मॉड्यूल पीएलसी के अंदर हमारे ऐसे छोटे 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 ब्लॉक होते हैं। इसमें दोस्तों जो ब्लॉक होता है वो एक इनपुट का होता है और एक आउटपुट का होता है, ठीक है। एक इनपुट एक आउटपुट का मतलब दोस्तों इनपुट के हमको जितने आवश्यकता उतने लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो ये सारे हमारे इनपुट के मॉड्यूल है, ठीक है। ये सब हमारे इनपुट के मॉड्यूल है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इनपुट खत्म हो गया, यहाँ पे इनपुट खत्म हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट, और बाकी के ये जो बचे ये है आउटपुट के मॉड्यूल, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे ये जो अलग मॉड्यूल है और ये अलग मॉड्यूल है, वैसे ये काम नहीं आ रहे, ये बाहर निकले हुए, ठीक है, तो ये काम नहीं आ रहे। पर दोस्तों ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल किसके है, तो दोस्तों ये मॉड्यूल एक इनपुट का है और एक आउटपुट का मॉड्यूल है, ठीक है, ये अलग है। ये किस चीज का है, तो दोस्तों क्या होता है हमारे मॉड्यूल भी दो भागों में बटे होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। तो ये जो है एनालॉग है, एनालॉग का मतलब दोस्तों हमारी कोई भी चीज है, जैसे हम कोई सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारा जो एनालॉग सिस्टम होता है, ये एनालॉग सिस्टम हमको एक एक सीढ़ी की खबर देता है कि मैं पहले सीढ़ी पे चढ़ गया, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गया। और दोस्तों हमारे जो डिजिटल होता है, ये डिजिटल में आपने सुना होगा 0101 की फॉर्म होते, तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताएगा कि मैं डायरेक्ट ऊपर चढ़ चुका हूँ या फिर मैं नीचे हूँ, सिर्फ इतना बताएगा। इसके अंदर दोस्तों मेरी पहली सीढ़ी की भी सूचना देगा, दूसरी सीढ़ी पे खड़ा हूँ तो वो भी सब सूचना देगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों डिजिटल और एनालॉग में फर्क। इसके अलावा दोस्तों इसके पीछे हमारे रिले बोर्ड भी लग रहे हैं, वो रिले बोर्ड का काम होता है दोस्तों जब
हमारा पीएलसी से कुछ भी चीज आउटपुट में निकलती है तो वो उस रिले बोर्ड के थ्रू ही होती है। अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं, पीएलसी के अंदर तो हमारा पूरा 24 वोल्ट का खेल होता है, पर पीएलसी के बाहर जो हम सप्लाई को यूज में लेते हैं वो हम हमारे हिसाब से लेते हैं। पर अभी हमारी जो कंपनी की बात करें तो हमारी इस कंपनी के अंदर 220 वोल्ट को सप्लाई को यूज में ले रहे हैं, तो वो हम रिले के थ्रू ही उपयोग में लेते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या चीजें लग रही, तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लग रही है हमारा एक एसएमपीएस लग रहा है, जो कि आपको पता है इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों इस एसएमपीएस का काम सिर्फ इतना होता है कि हमने इसके अंदर 220 वोल्ट दिए और ये 220 वोल्ट हमारे डीसी में 24 वोल्ट निकाल के दे देगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 24 वोल्ट ही निकालेगा, सब एसएमपीएस का अलग अलग काम होता है, उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है कि वो कितने वोल्ट डीसी निकाल के देगा। जैसे इस एसएमपीएस में साफ लिखा हुआ है कि इनपुट हमने दिया 100 वोल्ट से 120 वोल्ट एसी, या फिर हम 200 से 240 भी दे सकते हैं, और अगर हमको आउटपुट की बात करें तो ये आउटपुट में 24 वोल्ट निकाल के देगा हमको, जो कि डीसी होता है, और हम इस पे ज्यादा से ज्यादा लोड कनेक्ट करा सकते हैं वो क्या है 10 एम्पीयर कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम एसएमपीएस। तो दोस्तों इस एसएमपीएस का काम ये होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो पीएलसी होती है पूरी 24 वोल्ट पे ही चलती है, 24 वोल्ट डीसी पे, सारी जो पीएलसी होती है वो सारी की सारी 24 वोल्ट डीसी पे चलती है, ये डीसी के लिए होती है। ठीक है, तो ये जो एसएमपीएस की जो सप्लाई आती है वो सप्लाई पावर सप्लाई में आती है, ये जो हमारे जो मॉड्यूल के लिए पावर सप्लाई बॉक्स लग रहा है, ये हमारा पावर सप्लाई बॉक्स लग रहा है, पीएलसी और मॉड्यूल के लिए लग रहा है, तो इसमें आती है, तो वो ये सप्लाई फिर बाद में इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको चीज बता दूं, ये हमारा एक एक मॉड्यूल है, ठीक है, इस मॉड्यूल को मैं निकाल सकता हूँ, ऐसे ही हम इसको भी निकाल सकते हैं, सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों एक बार मैं आपको इसके पीछे ले जाता हूँ, इसके पीछे क्या क्या चीज है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं पीएलसी पैनल के पीछे आ गया हूँ, इस पीएलसी पैनल के पीछे आपको यहाँ पे दिख रही होगी बहुत सारी केबल है, पर ये इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, हमारा जो आरएलसी सर्किट होता है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, काफी आसान होता है, काफी आसान होता है हमारे सिस्टम को फॉल्ट को पकड़ना, काफी आसान होता है हमको कोई भी मॉडिफिकेशन करना, काफी आसान होता है कि हमको कोई भी नई चीज को जोड़ना। ठीक है, यानी सब चीज काफी आसान होती है पीएलसी पैनल के अंदर, आरएलसी में काफी लफड़े होते हैं। तो दोस्तों देखो इसके अंदर क्या चीज है, ये हमारे कुछ वायर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सिर्फ इतने ही वायर है, ये देखो दोस्तों सिर्फ ये वायर है, यानी आप देख लीजिए ये वायर, अगर आप आरएलसी सर्किट की बात करें ना दोस्तों, तो ये आरएलसी सर्किट के अंदर अगर आप इतने वायर को जोड़ दो तो ये जो सिर्फ इतना सा पीएलसी पैनल के अंदर काम हो रहा है ना, ऐसे हमको 5-6 पैनल लगाने पड़ेंगे, इतनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है जितना ऑटोमेटिक हमने कर रखा है उसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या होता है, ये है हमारे इनपुट के वायर, इनपुट के वायर का मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे लिखा रहता है कि हमारा इनपुट का वायर है, तो इस पे लिखा हुआ आई मतलब ये है हमारा इनपुट का वायर। तो दोस्तों इनपुट के वायर का मतलब क्या है, इनपुट के वायर का मतलब हमारे जो प्लांट से जो वायर आ रहा है, प्लांट से वायर का मतलब दोस्तों जैसे हमने कोई लिमिट स्विच लगा रखा है या हमने कोई पुश बटन लगा रखा है, तो जब हम वो पुश बटन को दबाते हैं तब हम चाहते हैं कि हमारी मोटर चल जाए। ठीक है, पुश बटन दबाएंगे तो हम क्या चाहते हैं हमारी मोटर चल जाए, तो दोस्तों क्या करेंगे हम पुश बटन का एक वायर यहाँ पे लाएंगे, जैसे कोई भी एक वायर मान लीजिए, जैसे एक पुश बटन का वायर यहाँ पे हम मान लेते हैं, हम जो मान लेते हैं पुश बटन का जो वायर है आई 9/28, यानी एक अलग अलग नंबर देते हैं सब पे, जैसे ये है आई 9/25। ठीक है, आई 9/25, तो आई 9/25 को मैं कंप्यूटर स्क्रीन में सर्च मार लूंगा और उसके हिसाब से मैं प्रोग्रामिंग कर दूंगा कि जब भी मेरा आई 9/25 स्टार्ट दबाऊं, जब भी मैं प्लांट में जाके आई 9/25 को दबाऊंगा पुश बटन को, तो हमारी एक मोटर चलनी चाहिए। तो वो मोटर जो चलेगी, वो मोटर के अंदर क्या होगा, यानी हम मैं सबसे पहले तो पीएलसी पैनल के अंदर प्रोग्रामिंग कर दूंगा, हमारे जो पीएलसी उस पीएलसी को प्रोग्राम पे लेके पीएलसी पैनल के अंदर प्रोग्रामिंग कर दूंगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हमारी जो पीएलसी, इस पीएलसी को हमारी प्रोग्राम पे ले लूंगा, प्रोग्राम पे लेके हमारी प्रोग्रामिंग करूंगा कि जैसे मैं उस पुश बटन को दबा रहा हूँ आई 9/25 को दबा रहा हूँ, तो मेरा एक कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए, उस कॉन्ट्रेक्टर का भी एक नाम रख देंगे, उस कॉन्ट्रेक्टर का जैसे मैं नाम रख दिया ओ 20/5 रख दिया। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, जब भी मैं उस पुश बटन को दबाऊंगा तो ओ 20/5 में सप्लाई आ जाएगी, ओ 20/5 जो ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, इस आउटपुट मॉड्यूल के अंदर हमारे जो 20/5 है, यानी जैसे इसके अंदर देखो दोस्तों कुछ इस तरीके के वायर होते हैं, ये हमारे वायर दिख रहे हैं, तो ये वायर जो है हमारे 30 वायर है, क्योंकि जो हमारे 20 नंबर है, इस 20 नंबर के आगे हमारे 30 और आउटपुट लगा सकते हैं, यानी 20/1, 20/2, 20/3, अगर आप आसान भाषा समझो तो मतलब मैं इसे 30 कॉन्ट्रेक्टर ऑन करा सकता हूँ, यानी 30 अलग अलग कॉन्ट्रेक्टर, मतलब इसका 30 आउटपुट सप्लाई है। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए आप इतना, कि जैसे मैं पुश बटन को दबाता हूँ, पुश बटन दबाने के बाद में क्या होता है, जैसे मैं पुश बटन दबाता हूँ मेरे उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो है, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से मैंने जो भी आउटपुट लगा रखा है, कि जैसे मैं उस पुश बटन को दबाऊ और मेरा वो आउटपुट स्टार्ट हो जाए, तो वो आउटपुट स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों वो जो आउटपुट की, जो हमारी जो इनपुट की सप्लाई होती है, जैसे मैंने पुश बटन दबाया था 9/25, ठीक है, 9/25 दबाया था, तो दोस्तों हमारा जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर जैसे हमने इसको लाइन वाइज जमा रखा है, सबके अंदर अलग अलग सिस्टम है, आप देख लीजिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये है दोस्तों हमारा 9,
इसमें जो 25 नंबर है यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रही है एलईडी, इसके अंदर जो 25 नंबर है वो ब्लिंक हो जाएगा। यहाँ पे क्या अलग अलग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, जो नौ नौ वाले नंबर पे, नौ वाला जो ऊपर है उस ऊपर वाले पे 25 नंबर पे हमारा एलईडी ब्लिंक करेगी जैसे ही मैं हमारे प्लांट का पुश बटन दबाऊंगा, ठीक है। और पुश बटन दबाने के बाद मैंने क्या प्रोग्राम कर रखा है, मैंने प्रोग्राम कर रखा है मेरा 20/5 स्टार्ट हो जाए। तो ये 20 है, ये 20 हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। तो इस 20 में हमारा 5 नंबर का हमारा आउटपुट मॉड्यूल में लाइट आ जाएगी, और जो हमारा इसमें से जो वायर है 5 नंबर का, वो 20/5 नंबर वायर है वो हमको पीछे मिलेगा रिले बोर्ड पे। और वो जो रिले बोर्ड पे वायर का काम ये रहेगा, वो क्या करेगा दोस्तों, हमारे रिले को स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आखिर किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे आउटपुट है, यानी जो भी रिले के जो बोर्ड होते हैं, इस रिले के बोर्ड में जो सप्लाई आती है वो आउटपुट की आती है। तो अभी मेरे को इसके अंदर देखना है 20/5 कौन सा है, देखो काफी आसान होता है इसके अंदर देखना 20/5। जैसे लाइन वाइज है, तो अगर लाइन वाइज की बात करें तो यहाँ उधर 17 की लाइन थी, उधर साइड में 17 की लाइन थी, इधर हमारी 20 की लाइन दिख रही है। तो 20 की लाइन में ये हो गया हमारा 20/6, तो ये होगा हमारा 20/5, 20/6, 20/7, तो ये हमारा 20/5 फेयरवेल घूम चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 20/5 दिख गया, 20/5। तो दोस्तों ये 20/5 का काम क्या है, जैसे मैं उस पुश बटन को दबाता हूँ तो मेरे पीएलसी से सप्लाई आएगी, वो सप्लाई आएगी दोस्तों मेरे यहाँ पे एक 20/5 दिखेगा, इस 20/5 पे आएगी। तो 20/5 में जैसे ही सप्लाई आएगी, तो ये जो सप्लाई आती है दोस्तों डीसी वोल्टेज आएगी, यहाँ से जो पीएलसी निकालता है आउटपुट वो डीसी वोल्टेज निकालता है, और ये जो डीसी वोल्टेज होगा वो डीसी वोल्टेज हमारी इस रिले को ऑन करा देगा, और रिले के जो एनो कॉन्टेक्ट होंगे उस एनो कॉन्टेक्ट से मैं अगर 220 वोल्टेज चाहता हूँ तो 220 वोल्टेज निकाल लूंगा, अगर 110 वोल्टेज चाहता हूँ तो 110 वोल्टेज निकालूंगा। और दोस्तों इसके बीच में एक फ्यूज लग रहा है, ताकि कभी भी कुछ भी हमारा जो आगे हमने जैसे लोड कनेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने कोई कॉन्टेक्टर लगा रखा है, तो वो जो कॉन्टेक्टर है या फिर टाइमर कुछ भी चीज चला रखी है, तो वो चीज हमारे आगे जाके यानी ओवरलोड ना हो जाए, ओवरलोड होने से कारण या शॉर्ट सर्किट होने के कारण कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारे